आईपीएल में सुहेल तनवीर को पिक किया गया, राजस्थान रॉयल्स से खेले आप, और जब सीजन खत्म हुआ राजस्थान रॉयल चैंपियन बनी, विनिंग शॉट आपको मारने का मौका मिला और फिर पर्पल कैप भी मिली, यानी आप बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट हुए। कितना ओवरवेल्म था ये नया सा लड़का जिसने अभी डेब्यू किया था और अब उसके बाद वो आईपीएल खेल रहा था और वो पर्पल कैप जीत गया। Obviously, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मैं, हालांकि मुझे काफी कुछ सक्सेस मिल चुकी थी उस टाइम इंटरनेशनल अरेना पे, वर्ल्ड कप हो चुका था, इंडिया टूर हो चुका था, वहां मैं अच्छी मतलब परफॉर्मेंस दे के आया था, देन साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी की थी, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के टूर्स हो चुके थे, वहां पे भी मैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे चुका था, सो आई वॉज प्रीटी मच सेटल्ड ऑन इंटरनेशनल क्रिकेट, बट स्टिल आई वॉज जस्ट अ किड। इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से मुझे 6 महीने हुए थे उस टाइम, सितंबर में डेब्यू हुआ एंड अप्रैल में ये था, सो इट वाज लाइक 6-7 मंथ्स। तो अगर आप आईपीएल को देखें तो उसके उस टाइम के बड़े बड़े नाम ग्लेन मैकग्रा से शुरू करें तो आप शॉन पॉलक, वहाँ पे इधर से पाकिस्तान से शुएब अख्तर, उमर गुल, आसिफ, ब्रेट ली, वाई यू नेम इट, दुनिया भर के बड़े बड़े जितने फास्ट बॉलर्स थे दे वर प्लेइंग इन आईपीएल। एंड मुझे तो इनिशियली पहले तो जो मेरी टीम थी उसने बुलाया भी नहीं था, पहला मैच मैंने पाकिस्तान में देखा था अपनी टीम का, ये मैंने उस दिन एक शो में रिवेल की, ये बात किसी को पता भी नहीं थी, मुझे उन्होंने मैसेज दिया था कि भाई घर पे बैठो, अगर जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे तुम्हें, तो सो बट वो ड्रीम जर्नी थी मेरे लिए। मैं कहूँ कि जाहिर है लीग क्रिकेट का स्टार्ट था, उससे पहले कहीं पे भी लीग नहीं हुई थी, और वो जो आप किससे भी अगर पूछेंगे ना, इवन फॉरनर से, पाकिस्तानी प्लेयर्स तो एक बार आईपीएल खेले, तो जो जो 8-8, 10-10 साल भी खेल चुके हैं, बट वो जो पहले आईपीएल का मजा था ना, एवरीबॉडी रेट फर्स्ट आईपीएल वाज द बेस्ट इन ऑल आईपीएल टूर्नामेंट्स, तो क्योंकि एक नई चीज थी पूरी दुनिया के लिए, जितने भी स्पेक्टेटर थे सबके लिए एक नई चीज थी, और फिर ऊपर से उनके बॉलीवुड का तड़का, शाहरुख खान वहां पे, और मतलब यू नेम इट, इंडिया के हवाले से एंटरटेनमेंट की दुनिया की हर एक आइटम वहां पे मौजूद थी, क्रिकेट से लेके बॉलीवुड। तो वही मुझे नहीं लग रहा था कि मैं शायद जाके, जैसे मैंने कहा कि मुझे तो बुलाया भी नहीं गया था, तो मैंने कहा था चलो बाहर बैठेंगे आराम से, खैर ठीक है। सो पहला मैच हम लोग हार गए 9 विकेट से, मैं यहाँ से फिर मैं फ्लाई करता हूँ, मैं जाता हूँ हैदराबाद, हमारा दूसरा मैच हो रहा होता है, मैं उसी दिन पहुंचता हूँ वहाँ पे, शेन वॉन मिलता है मुझे, यानी इज लाइक यार आज हमारा मैच है, और एंड यू जस्ट हैव अराइव्ड, थोड़ा रेस्ट करो एंड देन विल सी इन नेक्स्ट गेम। तो उसके बाद हमारा बेंगलोर में मैच था, और बेंगलोर में हम प्रैक्टिस कर रहे थे मैच से पहले, वहां पे शेन वॉन ने मुझे पहली बार देखा, एंड पहली बार उसने देखा तो वो प्रैक्टिस के फौरन बाद मेरे पास आया एंड ही वाज लाइक यू गोइंग टू प्ले ऑल गेम्स, कुछ थी नया नया, मेरे एक्शन को किसी ने पिक नहीं किया हुआ था, और मैंने अपनी स्लो वेरिएशन के साथ तो बिल्कुल ही, वो बेचारे बैट्समैन आप कहेंगे उनको दे हैड नो क्लू, सो मैंने ओवर आखिरी डेथ में किए थे 18-19, but I gave only about 7-8 runs in 2 weeks. I guess IPL and PSL, मैं कहूँगा कि they both are best. IPL best इसलिए कहूँगा, देखें वो India is a bigger market and वहाँ पे वो एक ऐसे time पे होती है जिसमें आपको दुनिया भर के सारे stars खेलते हुए दिखते हैं, क्योंकि कोई international cricket नहीं हो रही होती, and obviously it's a bigger market, bigger money, so you can't beat that, reality is reality, but in terms of batting I think IPL is better, but when it comes to bowling PSL has edge, and everybody knows that, everybody it's not us, even if you speak to any foreigner player who played in PSL, they will say that they will back me for sure ke PSL has better bowling, and yes, in terms of I think PSL is very organized in terms of payments, there is no issue, 5 saal ho gaye but we never heard any issue regarding payments, aur league cricket mein sabse important cheez yehi hoti hai ke players want security about their money, kyunki league cricket is about money,
वहां पे तो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट तो है नहीं कि यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री और प्राइड के लिए खेलना है, तो अगर पैसों का इशू हो भी जाता है तो कोई बात नहीं. सो लीग क्रिकेट इज अबाउट मनी. यस, मतलब आपने पैशन है क्रिकेट का, आपने खेलना है, एंजॉय करना है, बट ऑब्वियसली सेम टाइम इट्स अबाउट मनी. तो अगर फाइनेंशियल इशू होंगे प्लेयर्स को तो वो फिर लीग की जो है वो कोई भी लीग हो उसकी रेपो डाउन होती है. तो PSL इज द बेस्ट आई गेस इन टर्म्स ऑफ पेइंग द प्लेयर्स. सो यस आई विल रेट IPL एंड PSL. ठीक है जी. रवि मिठा कहते हैं, तनवीर सर फर्स्ट लीग IPL फाइनल अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स, आपने विनिंग स्ट्रोक लगाया, प्लीज वो प्रेशर शेयर कीजिए. उससे पहले मेरे ख्याल में उससे पिछले बॉल पे ज्यादा प्रेशर था क्योंकि लास्ट बॉल पे मैच टाई हो चुका था. सो आई न्यू कि हम वो कहते हैं ना कि लंगड़ाते लंगड़ाते भी एक रन तो भाग लेंगे, इवन बॉल बल्ले को लगे ना लगे, और हम वी कैन नॉट लूज द गेम. सो प्रेशर उससे पिछले बॉल पे था व्हेन वी नीडेड 3 or 2 बॉल्स. तो वो लकीली बॉलर ने मेरी मैं कहूंगा कि जो मेरी फेवरेट शॉट है वहां पे बॉल कर दिया एंड आई फ्लिक्ड इट and it was about to cross the line. chauka hone laga tha but fielder ne badi achhi dive karke to wo bacha liya tha. mujhe lag raha tha ki shayad chauka ho jayega aur last ball tak match nahi jayega, but last ball pe koi itna zyada pressure nahi tha. I knew kyunki unhone sari field upar bula li thi, to what I had to do is just swing the bat. और luckily usne wo he tried to bowl me a bumper bouncer karne ki koshish ki, but obviously pressure to था. आप फाइनल खेल रहे हैं और आई रिमेम्बर वो स्टेडियम, उनका जो स्टेडियम है 50,000 या जितने भी उस कैपेसिटी है वो फुल था, पैक था, और लास्ट बॉल पूरे पूरे सीजन का जो आपकी मेहनत है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है. तो प्रेशर तो था बट अगेन वही मेरी नर्व्स ने जो है ना मेरा साथ दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी मेरे हाथ नहीं कांपे सिचुएशन की वजह से. परफॉर्म होना ना होना मैं नहीं कह रहा कि मैंने हर दफा अंडर प्रेशर परफॉर्म किया है. एक मैच ऐसा भी था जिसमें वो 2 runs ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो आपको याद होगा, उसने मुझे आज भी लोग मुझे उससे चिढ़ाते हैं. तो होता है आप कभी जितवाते हो कभी नहीं जितवाते हो, बट मैंने प्रेशर कभी नहीं लिया. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अच्छा, उजेश त्यागी कहते हैं, क्या आपको अभी भी उम्मीद है कि नेशनल टीम में आप जगह बना सकेंगे? Yes, why not? अगर मुझे उम्मीद नहीं होगी तो शायद मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा, क्योंकि जितना पैशन मुझे पाकिस्तान के लिए खेलने का है शायद वही चीज मुझे मोटिवेट करती रहती है टू परफॉर्म वेल. इसलिए आपको जहां भी मैं खेलता हुआ नजर आता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं मतलब ऑफ कलर नजर आया हूँ आपको. मैं हमेशा, जाहिर है हर दफा आप हर लीग में टॉप तो नहीं करते, बट आप मुझे हमेशा टॉप 5 में ही पाएंगी इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग. तो मेरी मोटिवेशन यही है कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, एक दफा फिर खेलना है, और मैंने इतनी क्रिकेट जितनी मुझे पाकिस्तान के लिए खेलनी चाहिए थी शायद मैं नहीं खेला. मैंने जितना सर्व मुझे अपनी कंट्री को करना चाहिए था वो शायद मैंने लीग क्रिकेट में कर दिया है. सो डेफिनेटली डिजायर इज देयर, पैशन इज देयर, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट. एंड अगर नहीं भी होता तो मैं कम से कम जब मैं क्रिकेट छोड़ूंगा तो मुझे रिग्रेट नहीं होगा कि यार कि मैंने जो मेरे कंट्रोल में चीजें थी वो मैंने नहीं की. अगर मैं करता तो शायद ये हो जाता, शायद ये हो जाता. तो मैं अपने जो मेरे हाथ में चीजें हैं वो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अच्छे तरीके से करूँ, और आई वांट टू एंड, क्योंकि मेरा कैरियर का स्टार्ट बड़े हाई नोट पे हुआ, अल्लाह ने स्टार्ट में ही पहले मैच से इज्जत दी, सो आई वांट टू एंड ऑन अ हाई नोट. सारी जिंदगी किसी ने नहीं खेलना, बड़े बड़े प्लेयर आए चले गए, एवरीबॉडी हैज टू गो, सदा कोई नहीं रहता, ना दुनिया में सदा कोई रहा ना क्रिकेट में सदा कोई रहेगा. So, but I want to end on a high note.